नमस्कार, मैं हूँ सीमा संजय और आप देख रहे हैं मेरे साथ जिले के सबसे तेजी से बढ़ता वेब चैनल जांजगीर एक्सप्रेस 0 से 1। आज हम आपको लेके चलते हैं अंचल की ताजेतरीन खबरों की ओर। खबर देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे खबरों को जल्द से जल्द देख सकें। आज दिनांक 8 नवंबर को जांजगीर चांपा जिला में कांग्रेसियों ने केंद्र के मोदी सरकार के विरोध में कचहरी चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आपको बताते चलते हैं कि वर्तमान केंद्र की सरकार ने समर्थन मूल्य से ज़्यादा दर में छत्तीसगढ़ से धान नहीं खरीदने का निर्णय लिया है। इसी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कचहरी चौक जांजगीर में किया। अपने वक्तव्य में प्रदेश सचिव सुश्री शशिकांता राठौर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से धान नहीं खरीदने के निर्णय का विरोध करते हुए हस्ताक्षर अभियान जिला में चलाया जा रहा है, जो अब तक 10,000 हो चुकी है। अगर 11 नवंबर तक इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये कांग्रेस के सिपाही 13 नवंबर को दिल्ली में कुछ करेंगे। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा भारी संख्या में किसान व ग्रामीण उपस्थित।